जितना ब्लेम करना है ना कर लो, लेकिन तुम्हारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उन सब की वजह तुम खुद हो। गेट द हेल आउट ऑफ हियर राइट नाउ, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। डरती नहीं हूँ मैं आपकी धमकियों से, और रही बात फैक्ट्री की तो मैं भी देखती हूँ कि आपकी फैक्ट्री कैसे खुलती है। जोरावर ने की मन्नत की बेइज्जती। मन्नत ने जोरावर को दी फैक्ट्री को लेकर धमकी। बात हो रही है कलर्स टीवी के पॉपुलर शो छोटी सरदारनी की। जैसा कि हम आपको बता दें, मन्नत और जोरावर जब भी आमने सामने आते हैं दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि गुल्लू की वजह से इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था, पर अब इन दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत एक बार फिर से हो गई है। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहां पर खबर छपते ही अखबार में सीधा मन्नत पहुंच जाती है जोरावर के पास, क्योंकि मन्नत को लगता है कि जोरावर ने ही उसके नाजायज होने की खबर अखबार में छपवाई है उसे बदला लेने के लिए। जिसके बाद मन्नत खरी खोटी सुनाती हुई नजर आती है और परवरिश को लेकर भी सवाल उठाती है। जिसके बाद जोरावर को गुस्सा आता है और वो जमकर बेइज्जती करता है मन्नत की और कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। वहीं आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि मन्नत यहाँ पर जोरावर को धमकी देती है फैक्ट्री को लेकर और कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि यहाँ फैक्ट्री आप कैसे खुलवा लेते हैं। जहाँ पर जोरावर मन्नत की धमकी का करारा जवाब देता है और कहता है कि फैक्ट्री तो मैं खोल कर रहूंगा और इसकी रिबन भी तुम ही काटोगी। जहाँ पर जोरावर की बात सुन मन्नत काफी शॉक्ड हो जाती है और गुस्सा भी हो जाती है। अब आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जोरावर और मन्नत की दुश्मनी आखिर शो में क्या नया ट्विस्ट लेकर आती है। टीवी सीरियल से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।